बिग बॉस 16 आने वाला है। बिग बॉस 16 को लेकर उतना हाइप नजर नहीं आ रहा जितना कि सोचा गया था, लेकिन बिग बॉस 15 को लेकर एक और बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर कि एक और जोड़ी हो गई है अलग। जी हाँ, ये जोड़ी भी टूट गई है। आखिरकार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। भाई देखिए, बिग बॉस के अगर मैं बैक में जाऊँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस के घर में हमने कई प्यारी प्यारी जोड़ियाँ बनती हुई देखी हैं। स्पेशली अगर बिग बॉस 15 की अगर मैं बात करूँ तो करण तेजस्वी, शमिता शेट्टी, राकेश भापत और साथ में लिशान सहगल और साथ में मायशा अय्यर, इन दोनों, ये तीनों ही कपल इस शो में नजर आए थे। अगर मैं बात करूँ मायशा और लिशान की तो ये दोनों ही पहले ही हफ्ते में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों का रोमांस देखने को मिल रहा था, दोनों एक दूसरे की परवाह कर रहे थे, केयर कर रहे थे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई। और अगर बात करूँ शमिता की और यहाँ पर राकेश भापत की, तो OTT से ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। और जब राकेश भापत ने वापस से एंट्री करी बिग बॉस 15 के अंदर, तो शमिता का जो वो इमोशनल चीज़ें थी वो देखने में लग रहा था कि हाँ, फीलिंग्स हैं, दिख रही हैं। जिसके बाद करण तेजस्वी को लेकर भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आए तो साफ पता चला कि ये जोड़ी सिर्फ बिग बॉस के लिए नहीं थी, ये जोड़ी परमानेंट जोड़ी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बिग बॉस की एक और खूबसूरत जोड़ी ने ब्रेकअप कर लिया है। वेल, आपको बता दें, पहले शारा यानी कि शमिता शेट्टी और राकेश भापत, जिनके ब्रेकअप से ही फैंस को काफ़ी धक्का लगा था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिस तरह से बिग बॉस में देखा था। अब आपको बता दें कि लिशान सहगल और साथ में मायशा अय्यर, इन दोनों ने भी अपना ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और अब दोनों साथ में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, आप लोगों की क्या राय है, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।